बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आज हम देखेंगे क्लास थ्री का जो फिफ्थ चैप्टर है ह्यूमन बॉडी, जिसमें हम लोगों ने ह्यूमन बॉडी के बारे में देखा था और हमारे ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में देख रहे थे, जिसमें हमारा फर्स्ट ऑर्गन सिस्टम था स्केलेटल सिस्टम, जो बोन्स को इंक्लूड करता है। सारे बोन्स इंक्लूड होते हैं और एक जो काम करता है वो स्केलेटल सिस्टम है। मसल्स इंक्लूडेड जो सिस्टम है वो है मस्कुलर सिस्टम। उसके बाद से जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो आज हम पढ़ेंगे वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है आप लोगों के? रेस्पिरेटरी सिस्टम में मैम कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो मिलके, हमें पता है कोई भी सिस्टम है वो मल्टीपल ऑर्गन्स मिल के वो सिस्टम को वर्क करवाते हैं, वो फंक्शन करवाते हैं। जो भी काम है करने के लिए बहुत सारे ऑर्गन्स मिल के वो काम करवाते हैं, है ना। तो उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स हैं इंक्लूडेड उस सिस्टम को काम करने के लिए, साथ साथ में क्या काम करता है वो सिस्टम वो देखेंगे। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो हमें ब्रीदिंग में हेल्प करता है, मतलब कि हमें सांस लेने में, जो भी हम लोग सांस लेते हैं ऑक्सीजन को अंदर लेना एयर से, और साथ साथ में हमारे बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकालना, ये सारा काम जो है जो ऑर्गन्स इंक्लूडेड है ये वाला फंक्शन जो है ये हमारा करता है कौन सा सिस्टम? रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है स्टार्ट होता है नोज से, नोज से स्टार्ट होता है। अगर आप पिक्चर देखो तो यहाँ पर देखो पॉइंट आउट किया हुआ है, नोज है, विंड पाइप है, लंग्स है, मतलब कि हम जब सांस लेते हैं तो नाक से हमारा हवा एयर जो है वो अंदर गया, फिर उसके साथ साथ वो विंड पाइप में आया, विंड पाइप में देखो आया, विंड पाइप के बाद से हमारे जो दोनों लंग्स है उसके अंदर आए। लंग्स क्या है? ये बैग जैसा स्ट्रक्चर है, ये जो बैग जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है लंग्स, और ये काफ़ी स्मूथ होता है, काफ़ी पतला होता है। इसलिए इसके आसपास जो भी हमारा बॉडी का पोर्शन है वो एयर आया और यहाँ से ऑक्सीजन जो है बॉडी में आ गया, और बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है अंदर लंग्स में चला जाता है। फिर ये लंग्स है, यहाँ से एयर जब अंदर आया तो ऑक्सीजन तो बॉडी में आ गया, और यहाँ से बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स में आया, और फिर इसी रास्ते से विंड पाइप में गया, फिर नोज में गया, और फिर हम लोग क्या करते हैं CO2 ब्रीड आउट कर देते हैं, है ना। तो ऑक्सीजन हमारे बॉडी में आया और CO2 बाहर निकला, किसके थ्रू? कौन कौन सा पैसेज है? नोज से गया एयर अंदर, फिर विंड पाइप में गया, फिर लंग्स में गया। लंग्स में से एयर जो ऑक्सीजन जो है वो बॉडी के अंदर चला गया, और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फिर लंग्स में आ गया बॉडी से, और फिर विंड पाइप नोज होते हुए हम लोग जब सांस छोड़ते हैं तो एयर जो है वो बाहर निकल जाता है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन बॉडी के अंदर चला जाता है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन बॉडी के बाहर चला आता है। ऑक्सीजन हम लोग क्यों लेते हैं? ऑक्सीजन है हम लोग बॉडी में जो भी एनर्जी है वो उसको रिलीज़ करने में, एनर्जी जो फूड हम लोग खाते हैं उससे एनर्जी लेने में ऑक्सीजन हमारा हेल्प करता है, ठीक है। ऑक्सीजन जो है हमारे बॉडी के जो अंदर जब जाता है, मतलब जब लंग्स के अंदर गया, लंग्स से फिर कहाँ जाता है? हमारे बॉडी के अंदर गया, हमारे बॉडी में जो भी अलग अलग बॉडी पार्ट्स है हर जगह वो ऑक्सीजन कहाँ है? ब्लड के थ्रू पहुँच जाता है, जितने भी डिफरेंट पार्ट्स है, जैसे हेड है, लेग है, हर जगह हमारे बॉडी के हर पार्ट में ऑक्सीजन को ब्लड जो है वो लेके चला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि हमें ब्रीदिंग में हेल्प करता है ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेने में, और जो ख़राब गैस है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल है उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। उसके बाद से जो हमारा सिस्टम है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। ये सिस्टम डील करता है हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में, जो भी हम लोग खाना खाते हैं, कैसे खा रहे हैं, खाना बॉडी के अंदर कैसे गया, फिर वो खाना कैसे डाइजेस्ट होता है, कैसे पचता है, उस चीज़ के बारे में ये डील कर रहा है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम डील विद द डाइजेशन ऑफ फूड। फूड के डाइजेशन में, डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ फूड इनटू स्मॉल पीसेस सो डैट इट कैन बी एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। मतलब कि डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें जो फूड हम लोग खाते हैं, जो भी फूड हम लोग खाते हैं तो बड़ा होता है, फिर जब वो बॉडी के अंदर जाता है तो वो क्या होता है, वो छोटे 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 पीसेस में टूट जाता है, ठीक है, छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हो गया। उसके बाद से उसका जो बॉडी है, डिफरेंट बॉडी पार्ट जो है वो फूड को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है एनर्जी निकालने के लिए। तो ये है, इस तरीके से इसको डाइजेशन बोलते हैं। डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन उस प्रोसेस को बोलते हैं जहाँ पे जो फूड है हम लोग खाए हैं वो छोटे पीसेस में चेंज हो जाता है, और उसके बाद से वो हमारे बॉडी में क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये है हमारा डाइजेशन का डेफिनेशन, कि डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फूड इनटू स्मॉल पीसेस सो डैट इट कैन बी एब्जॉर्ब बाय द बॉडी, ताकि वो हमारे बॉडी में क्या हो, एब्जॉर्ब हो जाए,
अब देखो कि जो जो ऑर्गन्स हमारे बॉडी में डाइजेशन में हेल्प करते हैं उसके बारे में देखो लिखा हुआ है पिक्चर में। देखिए माउथ से स्टार्ट हुआ, मतलब जब भी हम फूड खाते हैं वो कहाँ पे कैसे खाते हैं, मुंह से खाते हैं, माउथ से खाएं, खाना अंदर गया, फूड अंदर गया, फिर फूड कहाँ पे गया, हमारे फूड पाइप में गया, फूड पाइप में गया, फूड पाइप में जाने के बाद से फूड कहाँ आया, हमारे स्टमक में आया, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में आया और फिर बाहर निकल गया। जो भी फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स इंक्लूडेड है, माउथ इंक्लूडेड है, फूड पाइप, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन एंड फाइनली लास्ट में क्या है, एनस। तो ये सारे ऑर्गन्स जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाते हैं। तो अब बच्चों देखेंगे कि डाइजेशन होता कैसे है, मतलब कि कैसे स्टार्ट होता है और कैसे ख़त्म होता है ये देखेंगे। तो हम लोग खाना खाएँ, हम लोग माउथ से खाना खाएँ, मुंह के अंदर क्या होता है, हमारे दांत होता है, प्लस सलाइवा होता है, थूक वगैरह, लार वगैरह होता है। इससे क्या होता है कि माउथ के अंदर जब हम लोग खाना खाते हैं तो दांत उसको क्या करता है, उसको च्यू करने में, ग्रिन करने में हेल्प करता है, चबाने में हेल्प करता है, उसको पीसने में हेल्प करता है खाने को। और फिर क्या होता है, जो भी सलाइवा है, जो लार है, वो खाने में मिक्स हो जाता है। मिक्स होने के बाद से खाना जो है छोटे छोटे पीसेज में चेंज हो जाता है, स्मॉल पीसेज में चेंज हो गया। जो भी फूड हम लोग खाएं मुंह के अंदर, पहले इसलिए बोला जाता है ना, पहले खाने को चबाना चाहिए, अच्छे से चबाना चाहिए तब निकलना चाहिए। तो खाना अच्छे से चबाएं, उसमें सलाइवा मिक्स हुआ, उसके बाद से वो क्या होता है, वो छोटे छोटे बॉल जैसा सॉफ्ट बॉल बन जाता है और वो फूड पाइप में आराम से नीचे अंदर आ जाता है। अंदर आया, अंदर आने के बाद से स्टमक में मिला, स्टमक में क्या होता है, स्टमक में जब आता है खाना फूड पाइप के थ्रू, तो यहाँ पे कुछ टाइम तक होता है ये पेट के अंदर ही रुका रहता है, कुछ घंटों तक पेट के अंदर रुका रहता है, मतलब जो स्टमक है उसके अंदर कुछ घंटों तक रुका रहता है। और क्या होता है कि बहुत ही सूप जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, कैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, सूप जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। और ये जाता है एक लॉन्ग नैरो, ऐसे देखोगे यहाँ पे बहुत छोटे छोटे यहाँ पे नैरो, मतलब जो सीधा लंबा सा क्या होता है कि लंबा और पतला ट्यूब होता है। ठीक है, तो ये जो स्टमक है, स्टमक में जहाँ पे सूप जैसा स्ट्रक्चर बन गया वो फूड, वो स्टमक से कहाँ आता है, इस नैरो स्ट्रक्चर में, ये लॉन्ग नैरो स्ट्रक्चर जिसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, इस स्मॉल इंटेस्टाइन में वो फूड आया। यहाँ पे आने के बाद से इसके आसपास बहुत सारे ब्लड वेसल्स है, बहुत सारे ब्लड्स होते हैं, ब्लड के पाइप्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो जो भी फूड है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जो भी फूड यहाँ पे, जो सूप जैसा फूड आया है स्ट्रक्चर, जो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आया है, वो एब्जॉर्ब होने लगता है। तो हमारे सारे बॉडी पार्ट को फूड मिल गया, मतलब कि ब्लड से एब्जॉर्ब हुआ, वो सारे हमारे बॉडी पार्ट के पास लेके चला गया वो फूड। फिर यहाँ से क्या होता है, एब्जॉर्ब होने के बाद से जो भी फूड अगर एब्जॉर्ब नहीं हुआ रहता है, मतलब जो डाइजेस्ट नहीं होता है, वो क्या होता है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद से एक और पार्ट है यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद से एक और पार्ट है जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसके अंदर जो भी अनडाइजेस्टेड पार्ट है, जो भी फूड एब्जॉर्ब नहीं हुआ रहता है, वो क्या होता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। और लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू ये क्रॉस करते हुए हमारे एनस में जाता है और बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है हमारे बॉडी में डाइजेशन। तो डाइजेशन का प्रोसेस तो यहाँ पे हो गया कि फूड हम माउथ के अंदर लिए, फिर माउथ के अंदर हम उसको च्यू किए, ग्रिंड किए, ग्रिंड करने के बाद से फूड कहाँ हुआ, फूड जो है बॉल जैसा स्ट्रक्चर बना और फूड पाइप में से अंदर आया, अंदर आने के बाद से कहाँ गया, स्टमक में गया। स्टमक में कुछ देर तक फूड क्या होता है, रुका हुआ रहता है, स्टोर्ड रहता है। उसके बाद से ये फूड जो है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, वहाँ पे क्या होता है, फूड जो है एब्जॉर्ब हो जाता है, और जो फूड एब्जॉर्ब नहीं हुआ होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और वहाँ के बाद से एनएस में जाके ये बाहर निकल जाता है, एनएस इसको थ्रो आउट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है हमारा डाइजेशन। और डाइजेस्टिव सिस्टम क्या कौन कौन से ऑर्गन्स इंक्लूड करता है, माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। ये सारे ऑर्गन्स जो है हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, इसके बाद से जो हमारा टॉपिक है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जो भी आप लोग को पढ़ाया गया है वो आप लोग समझ जाएंगे, और कुछ नहीं समझ में आया है तो आप लोग पूछ लेंगे। ठीक है, थैंक यू।